This is Dharmendra Prajapati. Today we will discuss on moment of inertia of a circular section. Lastly we will discuss moment of inertia rectangular section and perpendicular axis theorem, parallel axis theorem. So now we will discuss moment of inertia of a circular section. ठीक, जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जिस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं उस सेक्शन में हमको पहले एक स्मॉल सा स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ता है जिसके रेफरेंस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। इसमें आपको पिंक टाइप का एक सर्कल दिख रहा होगा अंदर वाला, ठीक है, ये एक स्मॉल स्ट्रिप है क्योंकि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सेक्शन की निकाल पाते हैं। ठीक है, तो एक सर्किल है ए बी सी डी, आप देख सकते हैं दोनों एक्सेस उसमें दी गई हैं, एक्स एक्स एक्सिस दी गई है और वाई वाई एक्सिस दी गई। इसमें मैंने एक सर्कुलर रिंग अज्यूम करी है, ये दिख रहा है ना आपको, ये सर्कुलर रिंग है। ठीक है, ओवरऑल सर्किल का रेडियस है आर, लेकिन जो पॉइंट में जो अपने रिंग है उसकी डिस्टेंस जो मानी है, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो वो है स्मॉल एक्स। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो है डी एक्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, थिकनेस जो है वो है डी एक्स। ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक सर्किल बनाया, सर्किल बनाने के बाद उसके नंबरिंग दे दी, ए बी सी डी दे दिया, उसके एक्सेस दे दिए, डिस्टेंस बता दिया, रेडियस ले ली। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ए ऊपर का पोर्शन आपको दिख ही रहा है, कंसीडर है ए बी सी डी रेडियस, ठीक है, विद द सेंटर ओ एंड एक्स वाई, ये आप सब बता ही सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आप यहाँ से देखिए, नाउ कंसीडर अ एलिमेंट्री रिंग। एलिमेंट्री रिंग मीन्स ये अंदर वाली छोटी रिंग जो है इसको बोलते हैं, नाउ कंसीडर अ एलिमेंट्री रिंग। ठीक है, इसमें क्या लिखा, नाउ कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस डी एक्स। ठीक है, जब हम एरिया निकालते हैं तो बी इंटू डी करना पड़ता है, लेंथ इंटू विड्थ, ऐसे ही सेम यहाँ पे है। थिकनेस क्या है यहाँ पे, उसकी डिस्टेंस है, और डी एस क्या है यहाँ पे, उसकी थिकनेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द रिंग। ठीक, तो जब हम एरिया ऑफ द रिंग निकालते हैं सर्कुलर सेक्शन का एरिया, वो भी सर्कमफेरेंस वाला, तो वो डी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू पाई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या होगा, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। क्या, एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग। ठीक है, क्या है वो परिधि होती है ना, वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस टू पाई आर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और उसमें थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स, तो ये आपका क्या हो गया, उसका एरिया हो गया। ठीक, अभी ये तो हुआ किसका एरिया, सर्किल का एरिया, सर्किल का नहीं एलिमेंट्री रिंग का एरिया। अब हमको ओवरऑल सर्किल का एरिया चाहिए, क्या चाहिए, ओवरऑल सर्किल का एरिया। तो हम क्या लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पहले रिंग का। ये क्या था, एरिया था, डी ए टू पाई एक्स इंटू डी एक्स क्या था, केवल एरिया था उस स्मॉल एलिमेंट्री रिंग का। अब हमें चाहिए उसी स्मॉल एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है कि नहीं, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे उसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो गया, टू पाई आर, मतलब वही टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू टाइम्स क्या है, एक्स। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर, तो देखो टू पाई एक्स इंटू डी एक्स तो क्या है, एरिया बस, और डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स जो है इसका टू टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट्री स्ट्रिप कितना हो जाएगा, टू पाई एक्स का क्यू, टू पाई एक्स का क्यू इंटू डी एक्स हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ओवरऑल सर्किल का एरिया चाहिए, एरिया उसके बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एलिमेंट्री रिंग का निकाल लिया, अब हम ऐसे ही सर्किल का निकाल लेंगे। तो देखिए जीरो टू आर मतलब उसकी लिमिट ले लेते हैं और कुछ नहीं है, बस उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो ये क्या लिखा है, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सेक्शन अबाउट द सेंट्रल एक्सिस कैन बी फाउंड ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन दैट इज जीरो टू फ्रॉम जीरो टू आर। अब आपने यहाँ देखा तो आई जेड जेड इक्वल टू
क्या आई जेड जेड इक्वल टू, इसको बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं बेटा? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बाद ये सॉल्व होता है, जो आपने पढ़ा ना आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई बाय वाई, सेम यहाँ कंडीशन होती है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो आई जेड जेड इक्वल टू ए आ जाएगा और इसमें जीरो टू आर लिमिट चली जाएगी आपकी, और बाकी चीज़ें आपने उसमें रख दी हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाला था। तो टू पाई एक्स का क्यू इंटू डी एक्स आ गया, और यहाँ पे टू पाई को बाहर लिया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपकी जो सिचुएशंस आई, मतलब जो कंडीशंस बनी, वो बनी ए, ठीक है। क्या बन गई कंडीशन? ए आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो गया? आई जेड जेड इक्वल टू निकल के आ गया पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर 4। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेना बेटा, जो r की वैल्यू है, r क्या है? रेडियस। रेडियस क्या होता है? डायामीटर का आधा। तो d क्या है? डायामीटर ऑफ द सर्किल, और उसका आधा हमने, तो r की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। पहले यहाँ जो r बाई 4 है, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, तो ये आ गया पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर 4। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर 4। ये सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, याद रखना, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जेड जेड इक्वल टू, हमको चाहिए आई एक्स एक्स और आई बाय बाय इक्वल टू, याद रखना। तो आई जेड जेड इक्वल टू क्या कहलाता है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए, हम निकालेंगे फाइनली सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर 4 आ गया। अब हम लगा देंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो ऊपर हमने लगाई है। आई जेड जेड इक्वल टू क्या होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? आई एक्स एक्स प्लस आई बाय बाय, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो पहले अगर आप इंडिविजुअल निकालोगे तो आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई जेड जेड बाई 2, या आई बाय बाय इक्वल टू क्या आएगा? आई जेड जेड बाई 2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये चीज़ आई, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा पाई बाई 64 इंटू डी टू दी पावर 4। आपको याद रखना है कि सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 64 इंटू डी टू दी पावर 4, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर 4। किसी भी सेक्शन का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, किसी भी सेक्शन का हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो हमें एक स्मॉल सी स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ती है, चाहे वो रेक्टेंगल सेक्शन हो, चाहे वो सर्कल सेक्शन हो, और चाहे वो ट्रायंगुलर सेक्शन हो। याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ती है, जिसके रेफरेंस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। थैंक यू। आप देख लीजिए इसको, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।